बीजेपी प्रेसिडेंट रविंदर रैना जो है आज डिस्ट्रिक्ट जीएमसी हॉस्पिटल डोडा में पहुंचे थे उन तमाम जख्मियों को देखने के लिए और तमाम उन लोगों के जिनके घर में जो है कल डेथ हुई थी, यानी जो बस का हादसा हुआ था डोडा के अंदर अस्तर के बीच में, जहां पर 39 लोगों की जो है जान चला गई थी। लेकिन सवाल यहां से ये खड़े होते हैं कि क्या सिर्फ शोक जो है सिर्फ दो दिन के लिए यहां के नेता प्रकट करेंगे या फिर कभी यहां के लोगों के बारे में सोचेंगे भी, क्योंकि रोजाना हादसे होते रहते हैं और 2020 से 2023 के बीच में 871 ऐसे एक्सीडेंट चन्हा वैली में हो चुके हैं जिसमें 1700 कुछ लोगों ने जो है डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट जो है बना दिया है। यानी सोचिए कितने लोग जो है अपाहिज हो चुके हैं। क्या सिर्फ दो दिन के लिए सब चीजें देखने को मिलेगी या फिर इतना बड़ा हादसा कल जो डोडा के अंदर सामने आया था, यानी बिल्कुल पूरे देश को जो है हिला दिया था, जिसमें 39 लोगों की जान चला गई थी और 15 से 16 लोग जो है जख्मी थे। अब देखना होगा कि क्या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जागती है और चन्हा वैली के जितने भी जगहों पे जो है, नेशनल हाईवे की बात करें तो वहां पर जो है कभी भी आपने हाईवे पे इमरजेंसी नंबर या स्पीड जो है कभी भी नहीं चेक करके देखा होगा। यानी हाईवे पे जो चीजें होनी चाहिए वो तमाम चीजें जो है नहीं दिखती है। अब आने वाला समय ही बताएगा या ये लोग जो है सिर्फ सुर्खियां बटोरने जो है इन जगहों पे आते हैं या फिर कुछ यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ करेंगे। मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, यहाँ की प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा जी ने बहुत अच्छे तरीके से जो यहाँ जख्मी हालत में लोग यहाँ लाए गए उनका इलाज किया है। असर में जो बस हादसा पेश आया, मैं यहाँ के डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करूँगा, उन्होंने पूरी कोशिश की है बेस्ट पॉसिबल इलाज देने की। एक ज़माना होता था कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करते थे, आज एटलीस्ट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। सर जीएमसी यहाँ भी है, जीएमसी जम्मू भी, आज भी शिफ्ट करना पड़ रहा है। चलिए, कोशिश को बहुत उम्मीदें हैं, कोशिश बहुत उम्मीदें रखते हैं आप। सर एम्बुलेंस की काफी सारी दिक्कतें यहाँ पर, कितनी एम्बुलेंस आपकी तरफ से खास तौर पर आगे दी जाएंगी? यहाँ कोशिश रहती है जब कोई हादसे का शिकार हो जाए और क्रिटिकल कंडीशन में हो, डॉक्टर्स हो या जो पेशेंट या जो क्रिटिकल कंडीशंस में होता है उसके घर वाले रिश्तेदार भाई बहन सब कोशिश करते हैं डोडा में ठीक हो जाए, डोडा नहीं जम्मू हो जाए, जम्मू नहीं दिल्ली हो जाए। हर कोशिश की जाती है कि किसी न किसी तरीके से जान बचाई जाए और मुझे यकीन है कि जो रोल यहाँ डोडा मेडिकल कॉलेज ने अदा किया है आने वाले सालों में इसकी अहमियत और ज्यादा है और स्ट्रेंथन होगा और जो जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है जिसका जिक्र आपने किया, कोई न्यूरो सर्जन का जिक्र किया है या जो भी है, कार्डियो सर्जन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, जो भी है और हाँ उसका मैंने जिक्र किया है, या क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस कुछ दी गई हैं, कुछ और डिमांड है, क्योंकि ये ना केवल डोडा बल्कि किश्तवाड़ और रामबन डिस्ट्रिक्ट को भी कैटर करने वाला ये मेडिकल कॉलेज। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में ये सारा विषय लाऊंगा और कोशिश करूंगा जो भी शॉर्ट फॉल्स हैं वो पूरी हो और ये हॉस्पिटल और आगे। 2023 तक 800 कुछ एक्सीडेंट चन्हा वैली में हो चुके हैं और 1700 कुछ लोगों ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना दिया है, तो इसका खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने इस हादसे पर बहुत गम का इजहार किया है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि फैमिलीज के साथ सरकार खड़ी है, जो पीड़ित हैं, जो जख्मी हैं, उनको हर किस्म की सहूलियत इलाज की दी जाएगी। रही बात एक्सीडेंट की, मुझे लगता है कि बड़ी संजीदगी के साथ ये जो डोडा किश्तवाड़ रामबन का बेल्ट है, यहाँ क्यों बार बार हादसे हो रहे हैं, इसको डिटेल में इसकी छानबीन करके कंक्रीट मेजर्स
लेने पड़ेंगे और अगर कुछ सख्त फैसले भी सरकार को एलजी साहब को लेने पड़े तो मुझे विश्वास है।